अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। भाई क्या हाल है आप सबके, भाई और उनकी बहनों? तो भाई कल का व्लॉग तो आया ही नहीं, हो आई हो कि आप लोगों ने मिस किया हो। तो भाई मैंने बताया था आपको शेव करवा लिया मैंने, जब भी मास्क लगाए हुए मैंने हम आ गए आज ब्लैक कुर्ते में। वैसे हुआ आज हमारा है लास्ट डे, मैथ की क्लास होगी हमारी और असाइनमेंट से हुआ और लास्ट डे है। तो बस अब हमारा है सैटरडे को पेपर, आई होगी आप लोग को ब्लैक पेन के। आ गए हम आज ओम थर्ड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पता चला गया नीचे 103 में क्लास है। अब दोबारा नीचे जाएंगे हम पैदल चढ़ के, आएगा ना मैं हमेशा लिफ्ट में आता हूँ। आज ही मेरी खुआारी हुई है, अब मैं दिखाता हूँ हमारे मार्क्स कितने आए और क्या सीन चल रहा है क्लास में जाके। अच्छा भाई तो हम क्लास में आ गए, इतफाक से भाई सही नहीं आया आज, वरना हमें हर बार में सही होते हैं। इतना शोर हो रहा है क्लास में, हम लोग क्या बताऊँ। ये देखो ये छाप रहा है, ये देखो यही हो सकते, ये हमारे कज़न होते हैं प्याज भाई, हाथ दिला दें। ये हमारे दूर बरादरी के रिश्तेदार हैं, ये देखो ये हमारे मालिक के मालिक मालिक। वालेकुम सलाम, सस्ते नॉन पीटीए, नॉन पीटीए मार सकते हैं। अबे नॉन पीटीए आमिर जाकर किधर है हमारा मूला? नॉन पीटीए पहले कार में निकला होगा मूला, वहाँ पे गया हुआ ना काम में, आलम ऑनलाइन शो में। अच्छा अच्छा मूला की बेइज्जती नहीं करना, देखो पीठ पीछे भाई है भले मतलब ही है, नहीं है वो दुआ कर रहा हूँ आप लोग। 35 में से 32-33 नंबर तो आ ही जाएंगे, इंशाल्लाह आ जाएंगे। कोशिश तो हमने बहुत की है, अच्छी प्रैक्टिस की है। अच्छा भाई तो अभी मिल गई है ब्रेक और हम बैठे हुए हैं न्यू बिल्डिंग के स्टेयर्स पे। वो हमारे साथ बैठे हुए उस्मान चुपते, आपको मालूम हो गई है इसलिए सलमान खान लाइट। हाँ सलमान खान लाइट बोला जाता है इस वजह से। हाँ अच्छा भाई तो आज हमने सोचा हुआ था अपना मास्क लगाने का, माशाल्लाह मुझे भी नज़र लग जाती है। हाँ जी मैंने को मास्क लगाया हुआ है ताकि नज़र वज़र ना लगे मुझे, नज़र से महफूज रहूँ मैं। अच्छा भाई तो आज हमने सोचा हुआ टाइटल के इकरा यूनिवर्सिटी की लाइफ कैसी है ज़रा आपको ही बताएं। कुछ लोग बोलते हैं इकरा यूनिवर्सिटी जाओ ईजी लाइफ है, इकरा में आसानी से वो क्या होता था एडमिशन हो जाता है, लेकिन भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, आसानी से हो तो जाता है लेकिन इकरा यूनिवर्सिटी की पढ़ाई बहुत टफ है। लोग बताओ उसमें क्या भी सही बोल रहा हूँ मैं भाई? देखिए पढ़ाई तो हर जगह की टफ है, आपके ऊपर है आप किस तरह पढ़ सकते हो, आपके ऊपर है आप आखिर में लेके बैठो आप शुरू में लेके अभी नहीं। लेकिन लोग बदनाम करते हैं ना इकरा यूनिवर्सिटी, बदनाम कर रहे हैं कि इकरा यूनिवर्सिटी खाली वो होती है फंक्शंस होते हैं, पढ़ाई वढ़ाई होती है भाई, पढ़ाई होती है अल्हम्दुलिल्लाह, पढ़ाई वढ़ाई सब है, पढ़ाई होती है इसलिए देते हैं ताकि साथ साथ एक्टिविटी रहे, बंदा बोर ना हो जाए, बच्चा बोर ना हो जाए, बच्चा छोड़ सही बात है, फंक्शन इस वजह देते हैं। और पढ़ाई अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन है आगे और समझ भी आ, सर वगैरह भी बहुत कोऑपरेटिव है यहाँ पे, आप लोग को चाहे तो आप यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। और सबसे मजे की बात है बच्चों का इतनी आसानी से पास नहीं करते, लोग बोलते हैं ना इकरा यूनिवर्सिटी में जाओ फटाफट 4 साल में पास करते हैं, इकरा यूनिवर्सिटी वाले पे पेपर भी रुकते हैं, ये तो है ना आसानी से आप पास कर लोगे। 60 नंबर वाला पास होता है यहाँ पे, 25 नंबर के मिड्स होते हैं, 35 मार्क्स सीपीएस के होते हैं और 40 मार्क्स फाइनल्स होते हैं, 60 मार्क्स वाला पास है, 59 आ गए आपके आप फेल हो। सही बोल रहा हूँ, मैंने बोला बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बस ये है कि आप सर के साथ थोड़ा मतलब के कोऑपरेट करें, बदतमीजी मत करें कि सर आपके मार्क्स काट दें पहले से। और अगर आप लोग को पास होने तो अपने क्विज असाइनमेंट और मिड के मार्क्स उठा लो, मैं संडे में यही सिखाया है, क्विज मार्क्स असाइनमेंट और अपने मिड टर्म के मार्क्स उठा लो तो आप पास हो समझो, वरना आपका पेपर रुक जाएगा, वरना पेपर के दोबारा आपको 20,000 रुपये भरने पड़ेंगे। सही। और कितने बीबीए में कितने कोर्स होते हैं? बीबीए में है 46 होता है अल्लाह शुक्र, मैं तो 46 ही है। हाँ 46 है। तो भाई आप लोग इकरा यूनिवर्सिटी में आना है तो आए, लेकिन ये सोच के मत आएगा कि इकरा यूनिवर्सिटी आ रहे हैं फंक्शन होंगे पास हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता भाई, भाई। फेल भी होते हैं यहाँ पे, पेपर रुकते भी हैं, आपके ऊपर है आप पेपर निकालते हो या पेपर रुकते हो। रुकते हो सही बात है। और इकरा यूनिवर्सिटी की लाइफ बहुत ईजी है भाई, नॉर्थ कैंपस सबसे अच्छा लगा, मैं गुलशन कैंपस से पढ़ चुका हूँ आप लोगों को मालूम होगा, गुलशन कैंपस का हूँ मैं G1 G2, मेरे लिहाज से मतलब वो भी सही था पढ़ाई, वहाँ की भी सही थी, लेकिन मुझे मेरे पास कन्वेंस नहीं थी आप लोग को पता है, तो जब ही दूर पड़ता था मुझे तो मैं नॉर्थ कैंपस में ट्रांसफ़र करवा लिया अपना, नॉर्थ कैंपस बेस्ट लगा मुझे और एज ए स्नूकर क्लब हर चीज़ जिम भी भाई यहाँ जो करना है करो, फारे घूमना घूमा, लाइब्रेरी भी बहुत अच्छी बनी हुई है, माहौल भी बहुत अच्छा, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा, टीचर बहुत ज़बरदस्त है यहाँ के, मेरा भी फर्स्ट सेमेस्टर है मेरे यहाँ पे लेकिन ज़बरदस्त, न्यू सेमेस्टर में आपको बताऊँगा किस तरह के सेमेस्टर है। मेरे अदील रहमान मैथ्स पढ़ाते हैं बहुत ज़बरदस्त, दानियल हुसैन शेख मैनेजमेंट बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और ये पीडी पढ़ रहा है उनसे, मैंने पीडी तो नहीं पढ़ी लेकिन बहुत ज़बरदस्त पढ़ाते हैं, कोऑपरेटिव सर है और फिलासफी के डॉक्टर इफ़त सुल्ताना और अपने एक कौन सी अपने ICT सर जैसी रहमत, बहुत ज़बरदस्त पढ़ाते हैं भाई, बहुत ज़बरदस्त, उनसे किसी भी चीज़ की मालूमात कर लो, नॉलेज कंप्यूटर की हर चीज़ की है। तो भाई आप लोगों को भाई यही बताना था लाइफ
यूनिवर्सिटी की लाइफ कैसी है मैं आपको आगे जाके दिखाता हूँ। मैं एक यूनिवर्सिटी के और ज़रा घुमाऊँगा फिराऊँगा मैं तरह लाइफ तो दिखाया आप लोग कैसे हम इन्जॉय करते हैं, लेकिन मास्क में ही दिखाऊंगा मैं उन तक तो मेरी दाढ़ी ही आ जाएगी आप लोग को पता है भाई। ये पता नहीं मुझे समझ नहीं आता, बंदे ने खर्चा करवाया तो बंदा दिखाया यार, बोले नज़र लग साइड में से देख लो आप, ये देख साइड में से देख लें आप, अभी फेस मास्क रिवील नहीं करना चाह रहे हैं। हाँ अच्छा चले करेंगे फिर यार, बस एक हफ्ता अभी अब तो करना आप लोग को पता लास्ट डे हमारा, हमारी क्लास होगी सैटरडे को, क्लास नहीं डायरेक्ट पेपर है, पेपर है बल्कि सैटरडे को सैटरडे का पेपर है दुबई करेगा। हाँ वो है भी ICT का सर नसीर अहमद जिन्होंने पढ़ाया, बहुत हार्ड पेपर देते हैं, क्या बोलूँ लफ्ज़ नहीं है वो तो बस आप लोग दुआएं करेगा कि हम लोग पेपरों में पास हो जाए इंशाल्लाह हमारा न्यू सेमेस्टर स्टार्ट होगा मार्च से होगा इंशाल्लाह। तो चलें अभी चलते हैं थोड़ा विजिट वगैरह करवाएं, विजिट वगैरह करते हैं उसके बाद मिलते हैं आगे दिखाता हूँ क्या हुआ। तो हम सबके आगे हैं मेरे 35 में से 33 नंबर, 32, 30, 28, 35 आए मेरे 34 मेरे बराबरी आ जाओ, इसको देखो 25 वाला खराब है और ये 33 नंबर है और इसके 32 नंबर है भाई, इसके ब्लॉग में देखा करो झूठ होता है सरासर झूठ है, लोग जल रहे भाई मेरे ब्लॉग से भाई, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 32 नंबर है, सबके 32 नंबर आए, सर ने 6 नंबर दे दिए हमारे, सच बोल रहे हैं अहमद भाई 32 नंबर है, सबको 32 ही दिया अल्हम्दुलिल्लाह 32 नंबर आ गए, सर ने खुशी दी थी दिल से खुशी हो गई, काम तो ऐसा दिया नहीं था सर को, फिर भी सर ने मार्क्स बहुत अच्छे दिए इसलिए हम बोल रहे थे सर कोऑपरेट करते हैं, पहले से आराम है ये थोड़ा आ गई, अब जाएंगे हम घर की तरफ और कुछ खाएंगे पियेंगे फिर सोएंगे, रात को उठेंगे जिम में जाएंगे फिर दोबारा बस ब्लॉग जाएंगे। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह पैसे आए भाई, चुपचाई खिलाएगा, चुपचाई मेरा कैशियर है यार, क्या बात कर। अच्छा भाई तो मैं यूनिवर्सिटी से आया तो मैं तो मोबाइल ही चार्ज नहीं था, ये भी आगे का ब्लॉग बना ही नहीं पाया, मैं अभी लाइट आई है मैंने चार्ज पे किया है, चार्ज किया है मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, तो आई होप आप लोगों को ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।